वर्षा जल संग्रहण और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को संजोकर पानी का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने के लिए जिला हमीरपुर के सराकड़ पंचायत के कराली गांव के किसान खुशहाल हो गए हैं। कराली गांव में जहां किसी समय कच्ची गलियों में घर से निकलने वाले गंदे पानी के कारण चलना दूभर हो जाता था, तो अब लोगों द्वारा गंदे पानी को पाइपों के जरिए वेस्ट वाटर टैंक में पहुंचाया गया है, जहां से वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत पानी का इस्तेमाल नजदीकी खेतों और सब्जी उत्पादन के लिए किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वाटर वेस्ट टैंक व लिक्विड वेस्ट ड्रेन ने कराली गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जिला मुख्यालय से सटी विकास खंड टौणी देवी की ग्राम पंचायत सराकड़ की पहचान अब वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट ड्रेन के सदुपयोग के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि इस काम को पूरा करने के लिए गांव की वृद्ध महिला ने भूमि दान की थी, तो लोगों के सहयोग से किसानों को आज सुविधा मिल रही है। प्रोजेक्ट के तहत हर घर से पाइपों के माध्यम से रसोई व बाथरूम के पानी के अलावा बारिश के पानी को पाइपों के रास्ते बनाई गई बड़ी मेन लाइन में डालकर टैंक तक पहुंचाया गया है। मुख्य निकासी पाइप बिछाने के उपरांत रास्ते को टाइल लगाकर पक्का भी कर दिया गया है, जिसके तहत 14वें वित्त आयोग से 2 लाख तथा SDRF से 1 लाख की राशि व्यय की गई। पंचायत के प्रयास से अब कराली एक आदर्श गांव के रूप में उभर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव की हालत दयनीय थी और रास्ते पूरी तरह से गंदे हुआ करते थे, लेकिन वेस्ट वाटर टैंक की स्कीम से अब गांव सुंदर बन गया है और पानी का इस्तेमाल भी सब्जियों और खेती की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वेस्ट वाटर टैंक बनाने के बाद किसानों को लाभ पहुंचा है और किसानों की फसल बढ़िया हो रही है और सब्जी उत्पादन को भी गाँव में बढ़ावा मिल रहा है। सोलन में गत दिन हुई तेज बारिश के कारण जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश वरदान से कम नहीं है, क्योंकि काफी समय से सोलन में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खेत सूखते जा रहे थे और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन राहत भरी बारिश ने इस नुकसान पर रोक लगा दी है। यही कारण है कि आमजन के साथ किसान भी बेहद खुश हैं। किसानों का इस मौके पर कहना है कि टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, मक्की और बीन्स के लिए ये बारिश संजीवनी साबित हुई है। उन्होंने बताया कि काफी समय से खेत सूखे पड़े थे, फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से जैसे सूखती फसलों को नई जान मिल गई है। यही वजह है कि सभी किसानों के द्वारा इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद जताई है, जिस कारण अब किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। नगर पंचायत भोटा की तरफ से प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से मिला और भोटा में पुलिस थाना खोलने की मांग की गई। SP अजीत सेन ने बताया कि भोटा में काफी वर्षों से पुलिस सहायता कक्ष चल रहा है, वह पुलिस चौकी में तब्दील नहीं हो पाया है। वहीं भोटा में पुलिस चौकी खोलने के संदर्भ में कई बार प्रस्ताव भी भेजा गया, वे किसी कारणवश कैंसिल हो गया। वहीं नगर पंचायत भोटा की तरफ से भी किराए से संबंधित एक पत्र भी मिला है। जहां पर पुलिस सहायता कक्ष चल रहा है वह नगर पंचायत का है और इसके बारे में भी किराया लेने के बारे में चर्चा की गई थी। वहीं भोटा पुलिस चौकी न होने से हम स्टाफ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और न ही गाड़ी की सुविधा दे पा रहे हैं, इसी कारण भोटा पुलिस कक्ष को बंद करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक अजित सेन ने बताया कि भोटा की तरफ से एक BJP का प्रतिनिधि मंडल भोटा शहरी इकाई के विनोद कतना, नगर पंचायत पार्षद अश्विनी, पार्षद चंद्रशेखर मुझसे मिले, भोटा में पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव रखा और बताया कि भोटा में लोगों की सहूलियत के लिए पुलिस थाना खोलना कितना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भोटा पुलिस सहायता के समक्ष 2 नेशनल हाईवे व 12 पंचायतें आती हैं और हादसे भी काफी ज्यादा होते हैं और इन पंचायतों के लगभग 36,000 लोग हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ये भी कहा कि भोटा में पुलिस थाना या चौकी बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भी भेजा जाएगा।
विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पंजाबी भेंटों की एल्बम की शूटिंग चल रही है। ये पंजाबी भेंटों की एल्बम 30 जुलाई को रिलीज होगी। इसकी शूटिंग मंदिर क्षेत्र के आसपास की गई, जहां पर शूटिंग देखने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा और स्थानीय लोग भी शूटिंग देखने के लिए पहुंचे। आगामी श्रवण अष्टमी मेले के दृष्टिगत ये भेंटों की एल्बम की शूटिंग की जा रही है। श्रवण अष्टमी मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर में पहुंचते हैं और 1 अगस्त से श्रवण अष्टमी मेला शुरू होने वाला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए यहां पहुंचेंगे। उसी के दृष्टिगत ये पंजाबी भेंटों की एल्बम बनाई गई है। इस एल्बम का नाम मैया तेरे भक्त प्यारे और इसका गायक सिद्धू है। सिद्धू ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसे सुने और इसे शेयर भी करें।